गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग है, आई थिंक ये है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कब का है। तो हम यहाँ आए थे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, बहुत ही अच्छा ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, बहुत बड़ा टेंपल है ये। और ये देख सकते हो बहुत बहुत ही बड़ी ये मूर्ति है, जो कि दूर से ऐसे लग रही है। तो यहाँ पर हम सब लोग आए थे, मम्मी पापा वगैरह, हम सब मतलब एक ही गाड़ी हम लेकर के आए थे। और अंदर से आप देखना, अंदर ना मतलब म्यूज़िकल फाउंटेन होता है यहाँ पर, और 3D होता है, तो वहाँ पर फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है। बाहर से ही मैंने जितना भी कैप्चर हो पाया मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। बट अगर आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, हैदराबाद घूमने जा रहे हैं, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ज़रूर ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये देखने के लिए। और यहाँ पर ना इस टाइम बच्चों के लिए राइड वगैरह भी थी, तो आगे आप देखना। फ़िलहाल आप थोड़ा सा जो ये बाहर से लुक है ये, इसको एंजॉय कीजिए। लग यहाँ खड़े हो सारे, बेटा देखो पूरा भगवान जी के पीछे बैठ। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो हम लोग सुबह सुबह मतलब 6 बजे हम लोग आए थे। एक यहाँ पर पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, तो हम लोग सब यहाँ पर आए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। और देखिए आप, पार्क बहुत ही सुंदर था, मतलब ये रिसेंटली ना नया बना है पार्क। और यहाँ पर ना बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी नदी है, अभी आपको आके देखने को मिलेगी। तो सब लोग ना मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर आए थे इस बार, और बहुत ही मज़ा आया। इतना अच्छा वेदर था, इतनी ठंडी हवा थी यहाँ पर, हैदराबाद में बहुत ही फेमस पार्क है। आपको लुक दिखाऊंगे, अभी वॉक करना है। Thank you.
ले जाओ। हाँ कोई भी कर रहा है स्कूल जाने का। से समथिंग और आप कब आओगे आशी? वाओ आपकी कितनी सुंदर यूनिफॉर्म है आशी। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम आए थे बहुत ही अच्छे टेंपल में जो कि है बीदर के नाम से, और ये ना करीबन 2-2.5 घंटे की दूरी पर है, मतलब हैदराबाद जहाँ ये रहते हैं तेलंगाना से। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं घूमने, मस्ट विज़िट ये प्लेस है। बहुत ही अच्छा टेंपल है ये नरसिंहा का, नरसिंहा थिमगरत अगर बोलूँ तो, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। और यहाँ पर ये छोटी सी शॉप्स हैं बच्चों के टॉयज़ वगैरह के लिए, और पूजा का सामान मिलता है यहाँ पर। और ये मंदिर ना बहुत ही फेमस है, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की, तो हम लोग यहाँ मतलब विज़िट करना है। इस बार ही इन लोगों को ना पता लगा था इस मंदिर के बारे में, तो हमने प्रोग्राम बनाया कि हम यहाँ विज़िट करते हैं। और ये पानी में मंदिर है, मतलब पानी में से आपको होकर जाना पड़ता है वो मूर्ति के दर्शन के लिए। अभी आप आगे देखना, Thank you.
ऊपर वाली पॉकेट में रख ली। चलो थोड़े धीरे चलो, उन्होंने मुझे पकड़ा है। गोविंदा गोविंदा आपने देखा, ये था बीदर का बहुत ही मान्यता वाला माता रानी का मंदिर, मतलब नरसिंघा मंदिर। और पूरा इतना पानी देखिए, आप गीले हो गए हम लोग। ये मंदिर ना पानी के अंदर ही है, बड़ी देखे सब लोग। अभी बस हम चेंज करेंगे, उसके बाद हम दूसरी जगह जाएंगे, आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी जगह, अगर आप आ रहे हैं हैदराबाद में हैं तो बीदर मंदिर में आप ज़रूर आएँ, दर्शन करें, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ से दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए थे गुरुद्वारा, जो कि बहुत फेमस है। बीदर से जस्ट 5-10 मिनट की दूरी पर ही है ये, और काफ़ी अच्छा है ये गुरुद्वारा। तो वहाँ पर हम लोगों ने मत्था टेका, वहाँ पर बच्चों को दर्शन कराए हमने। तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ और गुरुद्वारे में चलते हैं आपको लेकर के।
हम आए हैं गुरुद्वारा। चलो आए हैं गुरुद्वारा भी, गुरुद्वारा दर्शन करने। अभी हम रुके हैं लंच करने, वो लंच करने हम लोग आए हैं। और ये देखिए यहाँ हम हैं और ऊपर फिश है। नहीं किसकी पावला सा एम्बियंस। अभी भी रह गए चावल तो खा लिया। देखो जी क्या क्या लेना है, तो देख के मंगाओ जो चीज अच्छी लगती हो। नहीं
बाय।